एक दिन एक चिड़िया चिड़े से बोली, मुझे छोड़कर कभी उड़ तो नहीं जाओगे? चिड़े ने कहा, उड़ जाऊं तो तुम पकड़ लेना। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें पकड़ तो सकती हूं, पर फिर पा तो नहीं सकती। ये सुन चिड़े की आंखों से आंसू आ गए और उसने अपने सारे पंख तोड़ दिए। फिर चिड़िया से बोला, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। एक दिन जोर से तूफान आया। चिड़े ने चिड़िया से कहा, जाओ तुम उड़ जाओ, मेरे तो पंख नहीं है, मैं उड़ नहीं सकता। अपना ख्याल रखना, ये कहकर चिड़िया उड़ गई। जब तूफान थमा तो चिड़िया वापस आई। उसने देखा चिड़ा मर चुका था और एक डाली पर लिखा था, काश वो एक बार तो कहती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तो शायद मैं तूफान के आने से पहले न मरता। किसी से साथ निभाने का वायदा करो तो जीवन भर निभाओ। एक बार राधा ने कृष्ण से पूछा, गुस्सा क्या है? कृष्ण ने खूबसूरत जवाब दिया, किसी की गलती की सजा खुद को देना। राधा ने कृष्ण से पूछा, दोस्त और प्यार में क्या अंतर होता है? कृष्णा ने मुस्कुराकर कहा, प्यार सोना है और दोस्त हीरा। सोना टूटकर दोबारा बन सकता है, मगर हीरा नहीं। राधा ने पूछा, मैं कहाँ कहाँ हूँ? कृष्णा ने कहा, मेरे दिल में, मेरी सांसों में, मेरी धड़कन में, मेरे तन मन में, तुम हर जगह हो राधे। राधा ने फिर पूछा, तो फिर मैं कहाँ नहीं हूँ? कृष्णा ने कहा, मेरी किस्मत में। राधा ने फिर कृष्णा से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? कृष्णा ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार कहां होता है? कोई भी मनुष्य किस बात को किस तरह से समझता है, ये उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली से छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का ही तो है। लेकिन ये बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं मरते। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा किया हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। फिर तो राजा को भी भीख मांगनी पड़ जाती है। इसीलिए किसी के साथ छल कपट करके उसकी आत्मा को कभी न दुखाएं। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाएं तो चादर है। अकेले हम कागज हैं, मिल जाएं तो किताब हैं। अकेले हम शब्द हैं, मिल जाएं तो सुंदर रचना है। अकेले हम ईंट हैं, मिल जाएं तो सुंदर इमारत है। जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में है। चलकर देखा है अक्सर मैंने अपनी चाल से तेज साहब, पर वक्त और तकदीर से आगे कभी निकल न सका। जिसके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिसका कोई अपना नहीं वो अपनों को तरसते हैं। न कल हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस के बिता दें, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। जन्म अपने हाथ में नहीं, मरना अपने हाथ में नहीं, पर जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में होता है। मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, सबके दिल में जगह बनाते रहो। सबका ख्याल रखो पर अपना भी ख्याल रखो। हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।